So today we are going to see the chapter number 4, DC circuits. So to understand DC circuits, first we will see what exactly the DC source is all about, what is the difference between the DC and AC, and accordingly we are going to proceed for solving the numericals of DC circuit. So yahan pe hum dekh sakte hain ki DC source ये आपका बैटरी से रिलेटेड होता है, जहाँ पे वोल्टेज वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इन टर्म्स ऑफ इट इज नॉट चेंजिंग, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो करंट है आपका वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल डिफाइन होता है। अगर हम बात करेंगे एसी सप्लाई की, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की, तो ये जो है ये आपका एसी सोर्स जो है ये आपका अल्टरनेटर हो सकता है। अल्टरनेटर में एसी वेवफॉर्म्स जो है वो जनरेट होती है, और वो वेवफॉर्म का मतलब ये है कि देयर इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देयर इज अ नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव हो सकता है और नीचे नेगेटिव फॉर सम पीरियड, और उसके नेक्स्ट साइकिल के लिए जहां पे निगेटिव था वहां पे पॉजिटिव बनेगा, जहां पे पॉजिटिव था वहां पे निगेटिव बनेगा, और ऐसा ये जो साइकिल्स का सिलसिला है वो चलता रहेगा, और इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो राइट नाउ यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है कि करंट कभी पॉजिटिव से ऐसे इस तरह से डायरेक्शन में निगेटिव की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ से ऐसे उल्टा डायरेक्शन में जा सकता है। सो करंट हैज टू डायरेक्शन, सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, दोनों साइड से करंट का फ्लो जो है वो होता है, और वी कैन से इट इज अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट डायरेक्शन में इसका फ्लो जो है वो होता है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके वेवफॉर्म्स के बारे में अगर हम जानेंगे, सो यू कैन सी हियर दिस इज द कांस्टेंट सोर्स, वी कैन से वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, इट मींस द वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, यू कैन से थ्रू आउट द अमाउंट ऑफ करंट विच इज रिक्वायर्ड, और द अमाउंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज वर्किंग, या जो बैटरी है उसका वोल्टेज हम कंटिन्यूसली मेजर करते रहे तो हमें हमेशा इतना जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट मिलेगा। आई होप द प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू यू। ओके, मूविंग अहेड, ये है डायरेक्ट करंट का, ऊपर वाला जो पार्ट है वो है डायरेक्ट करंट का अंडरस्टैंडिंग, और नीचे जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब क्या, it sometimes positive half cycle is there, it is positive half cycle, then it is negative half cycle, then again positive half cycle, then negative half cycle. Now what is the meaning of this? Sometimes this red positive and blue negative, these signs are interchanging and they have their own pattern of this interchanging mechanism. Okay, so इसे कहते हैं DC supply and this is a AC सप्लाई, अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हर टाइम जो आपका बैटरी है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, सो वी हैव सर्टन इक्विपमेंट्स लाइक दिस, वेयर इनसाइड दिस इक्विपमेंट्स और डिवाइस यू कैन से देयर आर मल्टीपल यू नो वी कैन से ऑप्शंस अवेलेबल रिगार्डिंग द सप्लाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट। ओके, सप्लाई वोल्टेज जितना चाहिए उतना हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, एंड देन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल्स जो है वहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे शायद, तो ये टर्मिनल्स जो है वो क्या करते हैं, आपको उतने अमाउंट का वोल्टेज, उतने अमाउंट का प्रॉपरली जो आपको जो स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए वो अमाउंट का वोल्टेज जो है वो यहाँ पे देते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एम आई क्लियर, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, परफेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ डीसी लोड्स आर कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हाउ वी आर क्लासिफाइंग देम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइट डाउन इन योर नोटबुक, लीनियर and non-linear, linear and non-linear load. I'm sharing one image with you right now. So what do you mean by linear? Linear is a characteristics where the x-axis and y-axis are having the change in their value corresponding to each other. It means agar voltage
का वैल्यू 1 हो गया तो y एक्सिस पे कौन है, करंट है, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वोल्टेज का वैल्यू 2 हो गया तो आपका करंट का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर। अभी लीनियर सर्किट, लीनियर लोड कौन सा होता है ये आपको लिख के लेना है। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस आर कॉल्ड एज अ लीनियर लोड। तो अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस एज अ लोड है, इंडक्टर एज अ लोड है और कैपेसिटर एज अ लोड है, और ये तीनों के वैल्यूज, मतलब ये तीनों जो है वो प्योर फॉर्म में है, तो हमें जो वेरिएशन मिलेगा वोल्टेज एंड करंट के ग्राफ में वो लीनियर मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दीज लोड्स are considered as linear. Now, if we talk about this particular linear, we can say movement or linear loads, what about the loads which are non-linear? Now, how you are going to define the non-linear loads? Okay, so let's go to the non-linear side. Now, if we see here that the voltage and current both are related to each other, or we can say they are proportional to each other in a very strict way, or we can say in very precise way, but non-linear mein aisa nahi hota hai. What happens in non-linear? Let's see. Non-linear mein we have voltage which is increasing, but the current is not increasing in a initial state, but after it starts increasing, it will be increasing like a skyrocket. Okay, you got the answer, you got the understanding about this. So if we have the current wave shape of non-linear load is like, you know, we are getting the load which is increasing the current value. Okay, which is increasing the current value, which is not related with the applied voltage, applied voltage, or we can say it is not proportional with the voltage. तो पहले के साथ अगर compare करेंगे तो आपको इसको आसानी से समझ में आएगा, graph को देखेंगे अगर आप, if you are able to see the graph, okay, if you are able to see the graph, you can easily identify the difference between the linear and non-linear. Okay. So just draw this both diagrams. I will just showcase this. Is it visible now? Just draw this graph in your notebook. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Draw both the diagrams. Done, everyone? Yes. Okay. Perfect. Now, next point we are going to see is an active and passive circuit element. Okay. Now, what do you mean by that? Active and passive circuit element. So, if you talk about the active element, or we can say the EMF source. EMF source क्या हो गया? Is it active or passive? Hello. जो EMF, am I audible to you? Yes, sir. Okay, I am on mute. So, active and passive elements की अगर हम बात करेंगे, तो active element ऐसा element है जो आपको आपके circuit को EMF प्रोड्यूस करने को हेल्प करता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट हो सकता है? यस और नो? तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, इसमें आपको एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट दैट दिस क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सर्किट एलिमेंट और सर्किट कंपोनेंट। ठीक है, तो जस्ट टेक योर नोटबुक एंड आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन अगेन विथ यू। तो इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके, सो राइट डाउन दिस डिटेल्स इन योर नोटबुक, दैट एक्टिव एलिमेंट को एंड पैसिव एलिमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, डिफाइन करना भी हमारे लिए क्या है, सबसे पहले जरूरी है। एंड वंस वी एबल टू डिफाइन इट और आइडेंटिफाई कि ये एक्टिव मटेरियल होता है और इसको पैसिव बोलते हैं, तो हमें उसके वर्किंग कंडीशन में या उसके वर्किंग में भी हमें क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन सिंपली एक्टिव में क्या क्या है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एलईडी है, फोटो डायोड है। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट। नाउ ओके, सो पैसिव में कौन सा है, रेजिस्टर, एलडीआर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इसके अलावा कौन से है वो देखते हैं, स्विच, वेरिएबल रेजिस्टर एंड ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स एंड दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओपैम, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ओके, बैटरी, दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स। परफेक्ट, हो गया लिख के आपका ये सारी चीजें? यस सर।
ओके आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट. ओके सो राइट डाउन दीज पॉइंट्स और जस्ट आइडेंटिफाई हाउ वी आर डिफाइनिंग द एक्टिव एलिमेंट, हाउ वी आर डिफाइनिंग द पैसिव एलिमेंट. ओके What do you mean by active element? That it produces energy to another circuit in the form of voltage or current. Now it controls the current direction. It is having its own feature of controlling the current. Okay. Next is now also has a gain. Now what do you mean by gain? Have function of gain for electronic circuit. Gain is nothing but अगर आप input कुछ दे रहे हो तो उसे increase करके provide करने तो उसमें gain का जो है वो active element में होता है. Input अगर कम है तो output में ज्यादा मिलता है. Like that is happening in the perfect. Okay. Same thing passive में क्या होता है? It is not providing any power gain. तो ये सारी चीजें है. Examples अगर देखेंगे तो हमने पहले ही लिख के रखा है अभी अपने पास कि एग्जाम्पल्स रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारी चीजें क्या है? पैसिव एलिमेंट है. और एक्टिव एलिमेंट है आपके ट्रांजिस्टर, ओपैम, लॉजिक गेट्स. ओके सो नाउ यस यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल बायलैटरल सर्किट एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है कि इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि रजिस्टर है. ओके रजिस्टर में क्या है? वी कैनॉट हैव सेम फ्लो. ओके सेम फ्लो में आप उसको राइट साइड से करंट पास करो या लेफ्ट साइड से करंट पास करो. ओके तो वो दोनों केस में क्या करता है? आपका जो उसका जो काम है वो करने का कोशिश करता है. बट इफ यू टॉक अबाउट द डायोड, तो डायोड ये ऐसा कंपोनेंट बोलिए आप या एक डिवाइस बोलिए आप उसको, कि जिसमें सिर्फ वन डायरेक्शन में ही क्या होता है? करंट पास होता है तो वो काम करता है, या उसका काम ही वही है कि वो क्या करे, आपको सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पॉसिबल करे. जैसे कि अभी देखो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट में और यूनिलैटरल एलिमेंट में वी हैव डायोड, बायलैटरल में वी हैव रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ये पॉइंट्स क्लियर हुआ क्या आपको? जस्ट राइट इट डाउन इन द नोटबुक. ये तीन एग्जांपल्स किसके हैं? बायलैटरल के हैं एंड डायोड इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल. नाउ यू हैव यू डन विद दिस? लिख के हो गया आपका? यस सर. ओके नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेफिनेशंस टू राइट. ओके सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ व्हाट वी हैव लर्न राइट नाउ, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. वंस यू डन विद द राइटिंग दिस जस्ट लेट मी नो. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू, ये हमारा 4.1 अभी यहाँ पे हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. ओके Now what do you mean by current source and voltage source? ये सबसे पहले देखने वाले हैं. तो current का मतलब क्या है? It's a flow of electron. तो ऐसा समझ के लीजिए कि हमारे पास एक tank है और वो tank में बहुत सारे electrons हैं और वो tank का खासियत ऐसा है कि आपको जितने electrons चाहिए उतने ही electrons वो देती है उसके पाइप के थ्रू या जो भी उसका सिस्टम है उसके थ्रू. तो ऐसे कंसिडर करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट फ्लो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ओके और उसमें हम वोल्टेज की कोई चिंता नहीं करेंगे. अगर वोल्टेज कम हो गया या ज्यादा हो गया तो उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है. वी आर ओनली सपोज टू थिंक अबाउट द करंट, कि करंट हमें उतना मिल रहा है क्या या नहीं मिल रहा है. ओके तो इसे क्या कहते हैं? करंट सोर्स. नाउ इफ वी वॉन्ट वोल्टेज, ओके इफ वी वॉन्ट ओनली वोल्टेज टू बी कॉन्स्टेंट एट ऑल द इंटरवल. ओके वोल्टेज अगर सेम चाहिए तो उसे हम वोल्टेज सोर्स के तौर पे कहते हैं. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, हमारे पास दो और टाइप आते हैं, वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड प्रैक्टिकल? ओके तो आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है. ओके यू गेट माय पॉइंट? ओके कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल बोलिए या कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में भी ये जो आपका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो अवेलेबल उसमें नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, आइडियल आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट सोर्स.
Now, how we are going to identify whether our source is a current source or a voltage source? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी एक बैटरी का एग्जाम्पल लो. तो हमारे पास है बैटरी, जैसे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट का बैटरी है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल. ओके, वो बैटरी में अगर हमने देखा कि 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना? 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो फिर हमारे बैटरी को अगर हमने शॉर्ट कर दिया, ओके, हमारे बैटरी को अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो 6 वोल्ट का जो सप्लाई है वो कितने रेजिस्टेंस में से शॉर्ट सर्किट होने वाला है? कैन यू डू सम कैलकुलेशन? ई इज इक्वल टू और वी इज इक्वल टू आई आर एंड आई इज इक्वल टू वी बाय आर. तो वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है? 2 है. तो करंट कितना हो गया? 6/2, मतलब 3 एम्पियर. तो 3 एम्पियर करंट वो आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो दे सकता है. सो इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स और करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, तो हमें वी इज इक्वल टू आई आर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए. मैं आपको अभी कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ यहाँ पे, ये आपको लिखना है और इसका जो फॉर्मूलाज है वो आपको इसमें आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है. ओके, गो अहेड, डन. हो गया आपका लिख के? एटलीस्ट ड्रॉ द डायग्राम. ओके, डायग्राम में क्या है? वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, ध्यान में रखो, कभी भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है और आपके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है. एंड हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू नाउ? हेलो, यस सर. ओके, सो ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, दोनों वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, तो करंट सोर्स में क्या होता है? पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है. अब ये रेजिस्टेंस जो है ना, वो हम कभी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ क्या करते हैं? इसे ऐड करते हैं. ओके, आइडियल सोर्स में ये रेजिस्टेंस नहीं रहता है. ओके, परफेक्ट. So now I will be giving you one assignment or you can say one numerical, जिसमें आपको conversion का process पता चलेगा. तो सबसे पहले मैं एक numerical दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे देखो, left hand side में जो है वो है आपका current source. अच्छा, यहाँ पे अभी मेरा pointer दिख रहा है आपको. So this is the pointer. ये pointer जहाँ पे दिखा रहा है, this is a current source of 10 ampere and it has an internal resistance of 3 ohms which is in parallel. Okay, अगर ये current source को हमें voltage source में convert करना है, अगर हमें ये current source को voltage source में convert करना है, तो हमें क्या करना होगा? Current is multiplied with the resistance. तो हमें मिलेगा value V का. V is equal to IR. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बराबर. और 10 multiply by 3 कितना हुआ? 30 volts हो गया. तो ये हो गया आपका conversion आपके current source to voltage source का. And जो resistance पहले parallel में था, क्योंकि वो क्या है? current source था. और अभी वही resistance voltage source के series में आ जाएगा. You got my point? हेलो, ये कन्वर्जन का पॉइंट समझ में आया क्या आपको? ऐसे हमने और कौन सा कन्वर्जन देखा था इसके पहले? हमने 3 टाइप के कन्वर्जन देखे हैं. एक है आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. सिखाया क्या आपने? Yes, sir. सर ने सिखाया था क्या कि नहीं सिखाया? चैप्टर 2 में या चैप्टर 1 में कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन किया था. उसके बाद हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ा था, याद है? करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये दो चीजें सीखी थी. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये थर्ड है जिसमें कन्वर्जन होता है. ओके, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, वोल्टेज एंड करंट डिविजन रूल, और यहाँ पर करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन. ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये डायग्राम आप आपके नोटबुक में लिख ड्रॉ करो जल्दी जल्दी. हो गया है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ड्रॉ करना काफी आसान है. ओके, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. अगर आप रेगुलरली अभी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर ही रहे हो, तो आप एक ट्राइपॉड ले लो, खरीद लो ट्राइपॉड.
तो ट्राइपॉड पे आप मोबाइल क्या कर सकते हो, आपका लगा के रख सकते हो ताकि आपको ड्रॉ करते वक्त परेशानी नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द लेजेंड्स। लेजेंड्स मतलब क्या, उसका नाम दिया है, क्या है उसका नाम, ओके। ये डायग्राम आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस। सी हियर, RL इज लोड रेजिस्टेंस, IL मींस लोड करंट, ES इज सोर्स EMF, RS इज अ सोर्स रेजिस्टेंस। नाउ दिस resistance and this EMF is connected in series, whereas here this is IS. IS मतलब क्या, current source. Current source का resistance जो है RS वो क्या है आपका, उसके parallel में है। यहाँ पर भी RL load की तरह ही, RL load है, VL voltage across load है, and this is the IL which is load current. Okay, and this represent the current source. Current source को represent करता है, और ये जो है सर्किट, ये आपका वोल्टेज सोर्स को डिफाइन करता है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी जल्दी आपके नोटबुक में, एंड जस्ट टाइप यस इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम। ओके, गो अहेड, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स इन विच यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इन टू द करंट सोर्स, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 वोल्ट विद अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, फैट बॉक्स में भी डाला है मैंने। 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है विद 2 ohms का इंटरनल रेजिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स? सो वी हैव जस्ट सीन द चैप्टर नंबर 4, ओके। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने अभी अभी देखा है। लास्ट जो पॉइंट है कन्वर्जन, वो हम लोग देख रहे हैं अभी, ओके। तो इससे मेरा जो पीपीटी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ गूगल क्लासरूम में। जो न्यूमेरिकल दिया है उसको सॉल्व करके बताओ जल्दी, टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स। इतना आसान है ये, वोल्टेज सोर्स दिया है करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट है 2 ओम से, क्या करना है कन्वर्जन में? व्हाट वी हैव सीन इन द सोर्स कन्वर्जन, वोल्टेज को, वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, सीरीज में रेजिस्टेंस है, करंट की वैल्यू क्या आएगी, 25 ampere. Okay. After that, RS will be the same as it is. It's a 2 ohm only in the parallel of this source. Okay. ठीक है। तो ऐसे numericals, small numericals आ सकते हैं। ठीक है। Chapter